अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू पेश करने वाला हूँ ब्लैकस्टोन G800 मार्क टू हेडफोन्स के। और ये जो हेडफोन्स हैं वो काफ़ी अमेजिंग हैं। मैं इसे काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि 7-8 दिन हो चुके हैं मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए। तो मैं इसको आपको फाइनल रिव्यू जो है ना अभी बना के आपको पेश करूँगा। लेकिन फाइनल रिव्यू से पहले आपको छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे इस्तेमाल में कैसे लगा और क्या आपको ये पबजी के लिए खरीदना चाहिए, खासतौर पर अगर आप पबजी मोबाइल चलाते हैं, क्या मोबाइल के लिए ये हेडफोन ठीक हैं या फिर आपको नहीं लेने चाहिए। तो पहले छोटी सी अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद हम आगे इसका मुकम्मल रिव्यू पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक गेमिंग हेडफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये जो हेडफोन है ये मुझे द्रास के ऊपर मौजूद एक स्टोर ने भेजा था और इसकी हम बस अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो ये जो हेडफोन है मैंने द्रास के ऊपर चेक भी किया था, इसके जो है ना 5-स्टार रेटिंग दी हुई है सब ने इसको, तो ओवरऑल देखने में तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी चेक करेंगे और देखेंगे कि अब वाकई में ये अच्छा है गेमिंग के लिए, आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और ख़रीदने से याद है कि ये जो है ना आप देख सकते हैं, ये आपको हेडफोन मिल जाता है, इसका मॉडल यहाँ पे है। तो G800 Mark II ये ब्लैकस्टोन का जो है ना हेडफोन है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका दराज लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके इसकी कीमत भी देख सकते हैं और इसे ख़रीद भी सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर आपको कुछ लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, यानी कि आप माइक्रोफोन को म्यूट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसको कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर वगैरह या खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। और इसका जो वेट है वो 269 ग्राम है और यहाँ पे लिखा है कि वन ऑफ द लाइटेस्ट जो है ना आपको गेमिंग हेडफोन देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पर जो है ना आप इसका मॉडल्स वगैरह देख सकते हैं, ग्रे ब्लैक। और हाँ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये कंपेटेबल मोबाइल के लिए भी है, PC के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, PS5, Xbox और Nintendo जो स्विच है उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हमारे पास हेडफोन्स आ जाते हैं और ये जो है स्प्लिटर केबल आ जाती है, जिस तरह आप अगर PC में लगाना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर PC के अंदर माइक की और हेडफोन की जैक अलग अलग होती है, तो ये TRS केबल्स आपको मिल जाते हैं स्प्लिटर के तौर पर। और ये आपको TRS फीमेल अडाप्टर देखने को मिल जाता है। ओके जी, ये हमारे पास हेडफोन्स आ जाते हैं, इस तरह की आपको क्वालिटी मिल जाती है। और ये आपको माइक मिल जाता है। ओके जी, माइक आप स्विंग कर सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं किसी भी एंगल के ऊपर। ओके, ये जो है ना ये माइक म्यूट बटन है, आप एक स्विच के ऊपर इसे म्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्लाइड अप डाउन देखने को मिल जाता है। अगर आप फ़ोन के लिए यूज़ करना चाहें तो फ़ोन के लिए इसकी केबल काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें 50 mm के ड्राइवर्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो साउंड इसका काफ़ी बड़ा आने वाला है। और ये स्टीरियो हेडफोन्स हैं, यानी कि आपको लेफ्ट राइट एनिमीज़ का जो साउंड है वो आता है। और गेमिंग हेडफोन्स हैं और फ़ोन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको PC में लगाना है तो फिर आप ये केबल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्प्लिटर केबल आप यूज़ करके आप इसे PC में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो देख ही ली होगी, अब सबसे पहले हम इसके साइज की बात करते हैं। इसका जो साइज है वो काफ़ी मैसिव है और इसके अंदर आपको 50 mm के साउंड ड्राइवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवर द एयर हेडफोन्स हैं, यानी कि आपके जो कान हैं इसके जो कप्स हैं इसके अंदर आ जाते हैं। साउंड इसका काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी क्रिस्प क्लियर और स्टीरियो साउंड है, यानी कि PUBG के दौरान आपको वाजे सुनाई दे रहा होता है कि किस साइड से एनिमी आ रहा होता है, या आप किसी भी टाइप की कंपिटेटिव गेमिंग करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त साउंड है। और इसके पीछे आपको एक बटन भी मिल जाता है जिससे आप साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो माइक है इसका, ये स्विवल माइक है, यानी कि आप इसे अगर लगाते हैं तो फिर आप इस माइक को घुमा सकते हैं अपने, और अगर आप यूज़ ना करना चाहते पीछे भी कर सकते हैं। माइक क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको इसके माइक क्वालिटी इस वीडियो छोटा सा क्लिप इसमें डाल देता हूँ, आप इसकी माइक क्वालिटी के हवाले से अंदाजा लगा लें। ओके जी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक छोटा सा माइक टेस्ट कर लें। तो इस वक्त जो आप साउंड सुन रहे हैं वो इसी हेडफोन के माइक से आ रही है। और यहाँ पे एक फीचर भी है इसके माइक का कि आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं, एक ही यहाँ पे बटन दिया गया नीचे, तो यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हैं इसे और आप इसे अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर हम कम्फर्ट की बात करें तो जैसे आप इसे पहनते हैं तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल लगते हैं, लेकिन आप इसे काफ़ी लंबे अरसे के लिए, जैसे कि 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आपको कानों में जो है हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है सर के ऊपर, और ये जो साइज़ है इन्हें थोड़ा यहाँ पे प्रेशर बन जाता है आपके कानों के ऊपर, इसलिए आप इसे ज़्यादा देर के लिए पहन नहीं सकते। तो क्योंकि ये गेमिंग के लिए बने हैं तो इसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि आपको
काफी देर आप इसे नहीं पहन सकते। हाँ, आप 1-2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे जो है ना आप आसानी से इसके साथ गुजार सकते हैं। और या फिर आपका अगर सर जो है ना थोड़ा छोटा है, पतला है, तो उस हिसाब से भी आपको ये कंफर्टेबल रहने लगेंगे। लेकिन अगर आपका सर मेरी तरफ बड़ा है तो फिर आपको जो है ना थोड़ा सा इशू होगा कंफर्ट के लिहाज से। अब जो फाइनल चीज़ है वो इसका साउंड है, यानी कि जहरी बात अगर आपने हेडफोन लिए हैं तो कंफर्ट के और डिज़ाइन के बाद सबसे मेन चीज़ इसका साउंड आ जाता है। इसका साउंड कैसा है अगर मैं बात करूँ तो इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत पहले काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि कौन सी हैंड फ्री आपको लेनी चाहिए पबजी के लिए या किस तरह के, यानी कि काफ़ी सारी वीडियोस हैं मेरी, मैं आपको वहाँ पे लिंक भी दे दूँगा, आप देख लेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे बेस्ट है। इसका जो साउंड है बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊँची आवाज़ है। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर भी इतना ऊँचा साउंड देगा। यानी कि आपका अब ये देख लें कि जो हैंड फ्री का साउंड है बहुत बामुश्किल सुनाई देता है अगर आप पबजी के दौरान फुल साउंड पे भी लगाएं एनिमीज के फुटस्टेप, लेकिन इसका जो साउंड है बहुत हाई है। और इसकी ये दूसरी खामी भी है इसमें, वो ये है कि जब आप इसे हाई साउंड के ऊपर चलाते हैं तो आपके साथ वाले बंदे को पूरा पता चल रहा होता है कि आप क्या सुन रहे हैं या जो भी चीज़ है यहाँ पे चल रही है। इवन दो कि आप इसे अगर आप इस तरह भी पहन के जो है ना आप इसके ऊपर कोई चीज़ चलाते हैं तो आपको मुकम्मल साउंड जो है ना आपको महसूस हो, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कानों के अंदर 50% के ऊपर कोई हैंड फ्री लगी हुई है। तो इतना इसका साउंड जो है ना लीक भी होता है। पर यहाँ से ये भी है कि आपका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अगर आपको जो है ना बहुत लाउड साउंड सुनना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि हैंड फ्री कानों के अंदर जब जाती है तो फिर आपको पेन भी होता है कानों में और थक जाते हैं। लेकिन इसमें साउंड के हिसाब से इशू नहीं, आप ऐसे सुनते ऐसा लगता है कि आपके आसपास के स्पीकर चल रहे हैं। और फिर माइक क्वालिटी की बात करें तो इसका जो माइक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की तो इसके हिसाब से एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। यानी कि आपको छोटे छोटे इशूज़ तो मिल ही जाते हैं, आप इसे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं पहन सकते। इसका जो वेट है वो इतना कम नहीं है, 249 ग्राम इसका वेट लिखा हुआ है डिब्बे के ऊपर, 269 ग्राम। तो 269 ग्राम जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा फील होने लगता है जब आप इसे लंबे टाइम के लिए पहनते हैं। और जो दूसरा इशू है वो इसका साउंड लीकिंग का, यानी कि इसका जो साउंड है वो लीक होता है। लेकिन उसके अलावा देखें तो इसके जो खूबियाँ वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको बहुत ही ज़बरदस्त साउंड मिल जाता है, आप भले इसके ऊपर म्यूज़िक सुने, आप इसके ऊपर गेमिंग करें, बेसिकली ये गेमिंग के लिए है, तो इसकी ज़बरदस्त गेमिंग आती है। और फिर साउंड भी इसका काफ़ी क्लियर है, माइक भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से ये काफ़ी ज़बरदस्त आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पाकिस्तानी मार्केट में। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये मुझे रिव्यू यूनिट फ्री में मिला है, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ वो उसके लिए पेड नहीं है। ये मुझे एक्चुअल में काफ़ी पसंद आया है और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा अगर आप पबजी के लिए कोई हेडसेट लेना चाहते हैं, इवन कि आप म्यूज़िक के लिए भी अगर कोई हेडफोन लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो उसका परचेज लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर दराज के ऊपर खरीद सकते हैं। और दराज की ऑफर भी होती है, यानी कि आप अगर 15 दिन में आपको ये पसंद नहीं आता तो आप बिना किसी डिलीवरी चार्ज के वापस भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, और खासतौर पर अगर आप गेमर हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए एक मस्ट हैव चॉइस होनी चाहिए। पीसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, आपको जो है स्प्लिटर मिल जाते हैं माइक और हेडफोन का। अगर आपके पास कम हो जाएगा तो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाती है। तो ये था आज का रिव्यू, आई होप कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।